स्वागत है आपका एबीसी कोचिंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल सेट 5 के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो प्रीमेय संख्या के बीच में कितनी प्रीमेय संख्या हो सकती है। अब सबसे पहले ये आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी प्रीमेय संख्या है, ठीक है, कोई भी प्रीमेय संख्या आप ले लीजिएगा। जैसे कि लेते हैं एक और जीरो के बीच में कितनी प्रीमेय संख्या हो सकती है, या एक और दस के बीच में कितने प्रीमेय संख्या हो सकती है, एक या दो के बीच में कितने प्रीमेय संख्या हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, जितने भी प्रीमेय संख्या निकालना चाहेंगे वो निकलते जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, उसका कोई अंत नहीं होगा, प्रीमेय संख्या का कोई अंत नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहता है दो प्रीमेय संख्या के बीच में कितनी प्रीमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा, दो प्रीमेय संख्या के बीच में कितनी प्रीमेय संख्या होती है, यानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक है, ये एक तो होगा नहीं, दस होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, हजार होगा ये भी नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा अप्रीमित, यानी कि क्या होता है, अनंत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होते हैं, यानी कि दो प्रीमेय संख्या के बीच की जो प्रीमेय संख्या बनती है वो क्या होते हैं, अनंत होती है, उसका कोई निश्चित नहीं है, लिमिट नहीं होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, कहता है 3.5 है ना, 3.5 का वर्ग होगी, यानी कि आपको कहता है स्क्वायर निकालने के लिए। तो आपका 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होता है, 3.5 का स्क्वायर हम निकालते हैं कितना आता है, तो 12.25 ये आता है, 12.25। तो ये कौन सा आता है, एक नंबर आता है। सबसे पहले आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देखिएगा दो कैसे आया, क्योंकि जब ये स्क्वायर में आता है, जैसे हम इसको गुणा करके बताते हैं 3.3, तो ये और ये देखिए एक एक क्या होता है, दो होता है, इसीलिए हम दो पर क्या करते हैं, दो के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं कि इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पूर्ण घन निकालना है, तो पहला वाला देखते हैं कि 1000 है, तो इसका घन क्या निकलता है, 10 निकलता है, ठीक है, 1000 है तो 10 निकलता है। यहाँ पे देखिएगा 125 है, इसका घन क्या निकलता है, 5 निकलता है। अब यहाँ पे देखना 63 का कोई घन होता है, नहीं 63 का कोई घन नहीं होता, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और 27 का घन तो 3 आता है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 पर पावर 0 है, ठीक है, 2 पर पावर 0 और 3 पर पावर 0 है, को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो ये आप ये बताइए कि x पर पावर 0 और प्लस x पर पावर 0 करते हैं, यानी x पर पावर = 0 क्या होता है, जब हम x पर पावर 0 लिखते हैं क्या होता है, 1 होता है, जब x पर पावर 0 और इसको ही 1 जोड़ दे, तो यानी x पर पावर 0 और x पर पावर, यानी इसका मान देखिए 2 पर पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 0 और 3 पर पावर 0 का मान 1+1 कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा =2, यानी कि ये मेरा कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर का 4 नंबर का हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आपका 5वां नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखिए पी क्यू गुना 6 है बटा, देखिए यहाँ पे है 6 बटा यहाँ पे क्या है, देखिए 468 निकलता है, यानी इसके दोनों को गुना करने पर 468 निकलता है। तो कहता है पी और क्यू का मान होगा, तो सबसे पहले आपको ये जब गुणन में दिया हो तो ये वाला क्या कीजिएगा, इससे भाग दे दीजिएगा। जैसे हम इसे भाग देते हैं 4, 6, 8 में, तो देखिएगा सबसे पहले इसको भाग देते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इससे हम किससे बार कितना बार में भाग देंगे जो इतना आएगा, तो देखिए सबसे कितना होता है 42 होता है, तो इसको हम कटाई कितना बार आ गया, यहाँ पे कितना आया, देखिए यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आ जाता है 4, ठीक है, ये कट गया, तो उसके बाद यहाँ पे उतर का क्या 8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 48, अच्छा कर 48। तो अब देखिएगा इसका आंसर कितना आया, 78 आया। तो अब ये देखना है कि पी क्यू तो हमेशा ये क्या होता है, दाई होता है और ये इकाई होता है, इकाई के जगह हम क्या हो जाएगा, इकाई क्यू का मान कितना हो जाएगा, जब इकाई हो जाएगा यानी ये क्यू हो जाएगा और ये बन जाएगा पी, यानी कि पी होता दाई में और क्यू क्योंकि क्योंकि दाही के रूप में है, ये दाही के रूप में है और ये इकाई के रूप में है, तो दाही मेरा 7 हो जाएगा और क्यू हो जाएगा 8, तो ये आपका पी क्यू का मान हो जाएगा 7, 8, तो ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं x²-1 में x - x² को घटाने पर प्राप्त होगा। आपको यहाँ पे घटाना है, तो सबसे पहले आप घटा लीजिए इस दोनों को, हम यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे दिया है x² - 1, ठीक है, घटाना किसको है, 1 - x² को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ना घटाना है, तो x²-1 - 1 - - + x², अब इसको देखिएगा तो ये क्या होता है x²², तो पहले चार वाले को कीजिए, कितना हुआ 2x², अब 1 माइनस माइनस
माइनस माइनस यहाँ एक एक क्या होता है दो, तो ये देखिए ये आ गया आपका आंसर। तो आपका यहाँ पे देखना है कि इसका आंसर किस जगह है, तो इसका आंसर हो गया आपका देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन में वन माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होता है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सातवां है, कहता है कि आठ ए क्यू है, देखिए आठ ए क्यू माइनस टू ए का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, आपको इसमें चुन के बताना है कि ऑप्शन मेरा क्या है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ऑप्शन में क्या होगा आंसर सही, तो आठ ए क्यू माइनस टू ए है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। देखिए कॉमन इस दोनों में क्या आ रहा है, इस दोनों में मेरा कॉमन आ रहा है टू ए, यहाँ हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, देखिए फोर ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे वन। तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए इतना तो निकल गया, अब इसको हम निकाल सकते हैं टू ए, अब इसको ए स्क्वायर ए और इसको भी देखिए यहाँ पे स्क्वायर में एक का स्क्वायर करते हैं ये निकल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए हम करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे फोर ए का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसको हम निकाल ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर, देखिए ए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा ए टू ए इंटू, इसको हम निकाल सकते हैं टू ए, देखिए टू ए प्लस वन इंटू टू ए माइनस वन, देखिए ये वाला आपका आ गया, तो ये देखिए आठ ए क्यू माइनस टू ए का आया, तो आठ ए क्यू माइनस टू ए का आंसर क्या निकला, तो इतना निकला टू ए इंटू टू ए प्लस वन इंटू टू ए माइनस वन, ये निकला। क्वेश्चन नंबर आठवां पढ़ते हैं, कहता है 16 बराबर वाई प्लस चार को हल करने पर हमें y का मान प्राप्त होगा, यानी अब इसको हल करके निकालना है कि मेरा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 16 बराबर y प्लस है 4 है, तो y दिखेगा, तो 16 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 16 बराबर 4, देखिए इसको हम इधर किया तो क्या होगा माइनस आ गया, 16 बराबर 4 बराबर क्या होगा y हो गया, तो यहाँ पे दिखेगा तो 16 में 4 घटा कितना हो गया, देखिएगा 16 में 4 क्या कितना 12 बराबर y, यानी कि इसलिए y बराबर कितना निकला 12, तो y का मान कितना निकल जाएगा 12, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 9, कहता है माइनस 3m को माइनस m स्क्वायर प्लस 2m से गुना करने पर प्राप्त होगा, तो सबसे पहले इसको हमको कहता है गुना करने पर, तो इसको हम डायरेक्ट गुना करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 3 इसके साथ गुना करते हैं, फिर इसके साथ इसको गुना करते हैं, हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है इसको हम करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा कि माइनस 3m है इंटू है माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2n है, अब इसको हम गुना करते हैं इसके साथ के, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3m क्यू हो जाता है, उसके बाद हम इसको करते हैं तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है चिन्ह को पहले गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 × 6 m n हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला कौन सा आता है कहाँ किधर है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन आता है बी नंबर, तो 9 नंबर का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है माइनस 32x4 भागा 8x2 का मान इनमें से कौन सा है, तो इनमें से आपका ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन में चुनना है कि कौन सा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भाग देना है, हम इसको यहाँ पे भाग करके दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग करके दिखाते हैं, माइनस है माइनस 32x4 है भटा क्या है, यानी कि भागा किसे देना है 8 से, ठीक है 8x2, अब देखिए इसको भाग देना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट नहीं, आपको एकदम पूरा इसको जो पूरा डिफिनेशन से बताते हैं, यानी पूरा इसको तोड़ के कि कैसे आता है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 8 चुके कितना होता है 32 ना, देखिए 8 × 4 तो माइनस आएगा गुना, अब देखिए एक्स मेरा कितना है, एक्स मेरा कितना है, एक्स मेरा 4 तो है, इसको एक्स 4 है, क्यू है 4 है, तो यहाँ पे एक्स 4 लिखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स 4, देखिए 4 लिखे, और यहाँ पे देखिए 8x2 है, तो 8 × x × x, देखिए एक्स एस कट गया तो ये बच गया 8, तो कितना हुआ माइनस एक्स, देखिए माइनस 4x2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 4x2, देखिए माइनस 4x2 ऑप्शन 1 में आता है यानी कि ए में आता है, तो 10 नंबर का भी क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है मंगल एक संख्या सोचता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, मंगल एक संख्या सोचता है उनमें 5 घटाकर, देखिएगा क्वेश्चन को एकदम बड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसको देखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन कि मंगल एक संख्या सोचता है उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है,
अब जो परिणाम मिलता है, यहाँ पे देखिए, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तीनगुनी है, इस समस्या को हल करने के लिए समीकरण का रूप नहीं होगा। अब सबसे पहले समीकरण का रूप नहीं होगा तो यहाँ पे दिखाते हैं, माना कि सबसे पहले सोची गई संख्या ना, तो कहता है कि मंगल एक संख्या सोचता है, मान के लिए मंगल एक संख्या एक्स सोचता है, ठीक है, एक्स जब सोचता है कहता है उसमें से पांच घटाकर, जो उसमें से हमने पांच घटाया कहता परिणाम से आठ गुना करते, इसके जो परिणाम निकला तो ये आठ से घटाते पर कहता जो परिणाम निकलता है उसका कहता तीन गुना है। अब ये देखिए इस समीकरण कहाँ कहाँ पे, यानी कि ये समीकरण देखिए, पहला वाला समीकरण ये समीकरण है, अब यह समीकरण है, ये समीकरण है, इसको हम और भी डिफरेंशियल से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं एक्स माइनस फाइव इंटू एट बाय थ्री बराबर एक्स, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको गुना करते हैं आठ एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू थर्टी एक्स थ्री एक्स, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना कि समीकरण कौन सा नहीं है, तो इस तरह से समीकरण हम ये नहीं हो सकता है, यानी कि ये वाला समीकरण आपका नहीं निकलेगा, बी नंबर एक्स माइनस फाइव इंटू एट इक्वल टू थ्री एक्स, ये समीकरण आपका नहीं बनेगा। नंबर बारह है, कहता है एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, तो 20% का छूट दे रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। कहता है कोई भी सामान है वो 20% का छूट, यानी कि ये स्वेटर है, कहता है स्वेटर जो है ना वो 20% की छूट दे रहा है, यानी कि बट्टा दे रहा है, तो वो कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो सबसे पहला कथन है ए नंबर में, कहता है ऑप्शन ए है, तो कहता है क्रय मूल्य में से 20% घटेगा, यानी क्रय मूल्य से 20% घट वो दे रहा है, यानी कि जो आपका खरीद दाम दे रहा है, खरीद दाम में 20% का छूट दे रहा है, तो वो आपका ये अपोजिट नहीं चाह रहा है कि यानी 20% पे छूट नहीं हो रहा है। तो अब ऑप्शन दो है कि विक्रय मूल्य से 20% घटेगा, यानी विक्रय मूल्य से क्या कहता है 20% छूट दे रहा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, हाँ अंकित मूल्य से ही 20% घटेगा, कोई भी स्वेटर का दाम यहाँ पे है, कहता है कोई भी स्वेटर है, कहता है उसे 20% बट्टा, यानी कि स्वेटर जो अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य स्वेटर में मान के चले 100 रुपया है, तो वो क्या होता है 20% की छूट देकर आपको दे रहा है, तो आपके क्या है अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, तो अंकित मूल्य में से आपका 20% घटेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है, तो देखिए 360 रुपये में कितने दर्जन केले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कितने दर्जन, यहाँ पे कितना मूल रुपया है 30 रुपया ना, अब चूंकि देखिएगा 30 रुपया में कितना केला आ रहा है 12 दर्जन ना, तो 12 दर्जन केले आ रहे हैं, यानी सॉरी 12 केले आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 12 दर्जन यानी एक दर्जन है ना, तो एक दर्जन यहाँ पे केले आ रहा है, देखिएगा सबसे पहले एक दर्जन है, तो अब इसको हम कर सकते हैं ना, अब यहाँ पे देखिए एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12, तो अब इसको निकाल सकते हैं 1 रुपये में कितना आएगा 12/30, ठीक है 12/30, अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि अब कितने रुपये में निकाला 360 में कितना हो जाएगा 12/30 गुना 360, अब ये बताइए कितना हो गया 12 बार में, तो 12/44 यानी 144 दर्जन केले आएंगे, जो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक समूह नहीं है, अब यहाँ पे देखिए घन घनाभ आयतन और शंकु, देखिए ये तीनों आकृति है, घन घनाभ और शंकु मेरी आकृति है, लेकिन आयतन इस तीनों का निकाला जाता है, तो ये मेरा क्या आता है समूह का नहीं होगा, क्योंकि इस तीनों का ये मान निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन 15 में चलते हैं, संगलन आकृति में x का मान होगा, जो आपका यहाँ आकृति दिया गया है, संगलन आकृति में x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि x का मान यहाँ पे देखिए बाह्य चारों जो है बाह्य कोण है, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो आप क्या करना इस चारों को जोड़ दीजिए और 360 में घटा देने पर उसका मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम आपको करके दिखाते हैं कि वहां पे है 110 है, सबसे पहले देखिए 110 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद प्लस कितना 60 है, प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो निकलता है कितना 245 प्लस एक्स बराबर कितना 360 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 245, तो मेरा कितना निकलता है 115 डिग्री, जो एक्स का मान मेरा कितना निकल जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर, 115 डिग्री हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे चित्र दिया गया है, एक घर की तरह चित्र दिया है, घर है उसका ही उप यहाँ पे भाग दिया है, कहता चित्र एक जो है चित्र दो में किधर से लिया गया यह दृश्य है, यानी कि यह दृश्य जो ये किधर से लिया गया है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये चित्र जो घर घर बना होता है ऊपर में एक ढलान नुमा बनाता है, ढला
ढालुनुमा बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चित्र देखिए, ये एक ढालुनुमा के आकार का है। तो ये दृश्य किससे लिया गया है, सामने से दृश्य, क्योंकि सामने से लेगा तो ये वाला इधर का दृश्य आएगा। अब पार्श्व यानी पीछे से, अब देखिए पीछे से आएगा तो ये वाला क्या होता है, आयताकार का दृश्य आएगा। अब यहाँ पे नीचे से लिया गया हो तो नीचे से कुछ अलग ढंग से आएगा, और जब ऊपर से लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर से ही लिया गया होगा, क्योंकि ये ऊपर से जब लिया जाता है तभी ढालुनुमा ये दृश्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17, चार बच्चियों ने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि चार बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें AB बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर था, कौन बी जो है ना वो 60 डिग्री का बना रहा है, तो इनमें से ये कहता कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक चतुर्भुज आपको दिया गया है कि कौन बी बराबर, यहाँ पे कौन बी बराबर मेरा क्या है 60 डिग्री, ये मेरा क्या हो गया अंतर में बन रहा है, यानी कि सही बन रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ये भी मेरा क्या होता है अंदर में कौन बना रहा है, ये भी मेरा क्या होगा सही होगा। और यहाँ पे सी नंबर में ऑप्शन में देखते हैं कि ये भी क्या होता है अंदर की ओर कौन बना रही है, तो ये भी मेरा क्या होगा सही होगा। और यहाँ पे अब ये देखना है ऑप्शन डी में कि यहाँ पे देखिए चतुर्भुज तो है लेकिन ये कौन मेरा क्या है बाह्य की कौन बना रही है, बाह्य कौन बना रही है, तो ये मेरा क्या होगा ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि बाह्य कौन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये ऑप्शन में नहीं आएगा, यानी कि ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार, यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है के अनुसार एक आयताकार मैदान में छायांकित आयताकार भाग का फूल, भाग में फूल लगाया गया, देखिए छायांकित भाग का आयताकार भाग है, इसमें क्या है कि आपको फूल लगाया गया है। कहता चित्र में दिए माप के आधार पर स्कूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, स्कूल नहीं लगे यानी कि क्या होता है स्कूल में फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल, यानी ये स्कूल है पूरा मान के चलिए स्कूल है, इसमें थोड़ा सा फूल लगाया गया है एक आयताकार क्षेत्र में, तो आपका यहाँ पे कहता है कि क्षेत्रफल यानी इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका और इसका क्षेत्रफल में से जो बाकी क्षेत्रफल में फूल नहीं लगा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक छोटा आयताकार है, यहाँ पे भी एक बड़ा आयताकार है, तो सबसे पहले क्या करेंगे छोटे आयताकार देखिएगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वाला फूल नहीं लगे क्षेत्रफल का आयताकार निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करें बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए पहले, आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है यानी कि लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई, आपको लंबाई गुना क्या है चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले आपके बड़े क्षेत्रफल में निकालेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका लंबाई मेरा देखिए कितना है, लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 8, तो इसको गुना कीजिए कितना होता है 12 कितना होता है 96, 12 8 गुना कितना तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये निकला बड़े वाला का। अब जब छोटे वाला का निकालना है ये बड़े आयत का, ठीक है तो बड़े आयत का निकला, अब जब छोटे आयत का निकालेंगे देखिएगा छोटे आयत का क्षेत्रफल, जब छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले छोटे आयत का भी क्षेत्रफल उसी प्रकार बनेगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई मेरा देखिए कितना है, लंबाई आपका दिया है 5 सेंटीमीटर और दिया है 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर ये निकला। अब इसमें कहता है कि इसमें जो माप में ये है छायांकित भाग को छोड़कर कितनी ऐसी कितने इसका जो भाग है फूल नहीं लगाया गया है, तो छायांकित को छोड़कर अब फूल नहीं लगाया गया है तो इसमें छायांकित में फूल लगाएगा, तो इसको क्या करेंगे इसमें इसको घटा दीजिए, यानी कि हो गया यानी कि 96 - 15 कितना हो जाए 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वर्ग सेमी है 81 वर्ग सेमी जो है वो इसका फूल नहीं लगाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का हो जाएगा डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी 81 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब में मीटर का स्क्वायर था सॉरी हमने सेंटीमीटर लिख दी है, आपको मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या था वर्ग अंतराल 20
40 का वर्ग चिन्ह होगा। अब देखिए वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्य वाला, यानी कि बीच में क्या आएगा। अब ये बताइए इसके इसके बीच में मेरा क्या होता है, 20 और 40 के बीच में क्या आता है। देखिए आपका मेन जो पॉइंट होता है 20 और 40 के बीच में, यानी 10 10 का अंतराल है, तो यानी कि 20 और 40 के बीच में क्या आता है आपका, आता है 30। तो ये आपका आंसर 30 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। अब नीचे के लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां नंबर है। कहता है एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सेट शायद सेट 2 या 3 में ऐसे लगातार ये क्वेश्चन आते जा रही है कि निर्देशांक ज्ञात करना है कि 0 0 है, तो उसका क्या कौन सा बिंदु। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, यह लेखा चित्र या ग्राफ पर कहाँ स्थित है, यानी कि स्थित कहाँ कहता है कि 0 या 0 कहाँ पे स्थित रहेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि एक्स अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पर क्या होता है 0 0 ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अब देखिए वाई अक्ष पर, यह भी क्या होगा 0 0 नहीं होगा। एक्स और वाई अक्ष पर हाँ होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर यहाँ पे होता है ना पॉइंट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु पर स्थित होगा, यानी कि इसका आंसर मूल बिंदु हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आज सेट ये लास्ट था, 5 सेट था, और अभी तक आपने कितनी तैयारी की है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।